हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और अभी हम सीख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज है उनको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी दो मेथड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज भी एक मेथड बताऊंगा और आने वाले दिनों में भी जो है बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूँ, जिनका यूज़ करके जो है आप लोग अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हो या फिर कम से कम कर सकते हो और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो ये इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालिए, कंटिन्यू कीजिए, अकाउंट आपका बन जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है अकाउंट बनाने में तो आप लोग जो है मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा लिंक भी जो है, फ़ोन नंबर और जो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा लिंक है अपस्टॉक का, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी जो है आप लोग अकाउंट बना सकते हो। मेल आईडी डालो, फ़ोन नंबर डालो, उसके बाद सपोर्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा और डॉक्यूमेंट मांग लेगा और आपका अकाउंट एक दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये एक लिंक है प्लेलिस्ट का, इसको जो है आप लोग एक्सेस कीजिए। यहाँ पर जो है वन बाय वन सारी वीडियोस चेक कीजिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपको जो है इस लिस्ट के अंदर जो है मिल जाएंगी। और इनको देखने के बाद माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हो, ये दो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के, यहाँ पर आके ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर अपने आंसर्स आप लोग जो है ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। तो चलते हैं, आज का जो हमारे मेथड है उसका नाम क्या है, कॉल रेशो बैक स्प्रेड के नाम का जो है ये मेथड है। एक मैंने जो है निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है, निफ्टी की ऑप्शन चेन 13 अगस्त की मैंने जो है वीकली ऑप्शन चेन खोली हुई है। आज भी एक्सपायरी थी इसलिए जो है नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन मैंने ओपन की हुई है, जिसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,200 का। पर जो है सबसे पहले मैं मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख के रखा ही हुआ है। तो मेथड क्या है, मेथड के अंदर जो है हमें एक ऑप्शन को सेल करना होता है और दो ऑप्शंस को बाय करना होता है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, लॉस कहाँ हो सकता है, ये सब जो है मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है। सबसे पहले एक जो ऑप्शन होता है उसको जो है हम लोगों को सेल करना होता है और दूसरा जो ऑप्शन होता है उसे जो है हमें बाय करना होता है डबल क्वांटिटीज़ में। मतलब अगर इसको हमने एक क्वांटिटी सेल की है तो यहाँ पर हमें दो क्वांटिटीज़ बाय करनी होगी। यहाँ पर अगर हम लोग दो क्वांटिटीज़ को सेल कर रहे हैं तो ऊपर वाली साइड पे हम लोगों को चार क्वांटिटीज़ जो है बाय करनी होंगी। सिंपल सा मेथड है। अब यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, ये जो लेवल है जिसको हमने सेल किया है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो है 11,200 का लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो हम लोगों ने जो है नेट क्रेडिट बनाया या डेबिट बनाया उस हिसाब से जो है हमारा ये इसके नीचे का व्यू रहने वाला है। तो अभी जो हमारा बना है वो जो है नेट क्रेडिट बनाया है, जिसमें कि हमारा 43 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमें प्रॉफिट शो कर रहा है 3200 रुपये का। मतलब कि अगर मार्केट हमारा इस लेवल से नीचे रहता है तो हम लोगों को जो है प्रॉफिट होने वाला है कितना, 3200 रुपये का। और अगर मार्केट, ये फर्स्ट सिनेरियो है, अगर मार्केट ये जो लेवल है दूसरा जिसको हमने बाय किया, अगर इसके ऊपर रहता है तो हम लोगों को जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर जो है ये लिमिटेड प्रॉफिट है जो कि हमारा 3200 रुपये का है। और अगर सेकंड लेवल जो है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता 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 है, जो कि ये सेकंड लेवल है 11,400 का, तो यहाँ पर जो है एक लेवल पे आने के बाद जो है ये जो है प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे, अबे नीचे भी प्रॉफिट हो रहा है ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है, इससे बढ़िया मेथड तो कोई हो ही नहीं सकता। रुको रुको, मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पर लॉस भी होता है। लॉस कहाँ पर होगा, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फंस जाता है कहीं पर, या फिर जो है मार्केट यहीं पर जो है क्लोजिंग दे देता है, या फिर जो है इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर तक अगर मार्केट रहता है तो भी जो है हम लोगों को लॉस होने वाला है और उसके बाद जो है हम लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आ गया, यहाँ पर अगर ये मार्केट रेंज में रहेगा या फिर जो है थोड़ा सा जो है ये जो अपर स्ट्राइक प्राइस है इसके थोड़ा सा भी ऊपर तक अगर रहेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा लॉस होने वाला है और उसके ऊपर जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट है और नीचे वाली साइड पे जो है लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है या फिर जो है लिमिटेड लॉस हो सकता है। या आप किस तरीके का स्प्रेड बनाते हो इस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको जो है ये मेथड जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर हम नेक्स्ट वीक का स्प्रेड बनाए तो किस तरीके से हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। अभी मार्केट चल रहा है 21,200 पे, जिस वजह से जो है अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,200, जिस वजह से एट दी मनी है 11,200 का, जिसका प्राइस चल रहा है 120 रुपये के करीब, 119 रुपये चल रहा है। और हम लोगों को दो स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करनी है, तो एक को हमें सेल करना है जो कि एट दी मनी होगा, जो कि 11,200 है, इसको हम लोगों को सेल करना है। और इसके ऊपर जो उन सा भी हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, फिर चाहे 11,350 हो या 11,400 हो, उसकी दो क्वांटिटीज़ को जो है हम लोगों को बाय करना है।
और ये कॉल ऑप्शन को हम लोगों को करना है। तो मैंने जो है 11,400 को चूज़ किया, जिसकी जिसका प्राइस चल रहा है 38। इसकी दो क्वांटिटी जो है मैंने बाय कर ली, तो यहाँ पर मुझे प्रीमियम रिसीव हो रहा है और यहाँ पर जो है मुझे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेट जो है ये क्रेडिट बच के आ रहा है, जो कि मेरे पास 43 रुपीज़ का बच रहा है। तो अब यहाँ पर सिनेरियोस क्या क्या बनेंगे, यहाँ पर जो है मैंने बता दिया क्या बाय करना है और क्या आप लोगों को सेल करना है। यहाँ पर जो है सिनेरियो बनने वाले हैं, जब मार्केट 200 से अगर नीचे रहेगी तो हमारा क्या होने वाला है। अगर मार्केट 1,200 से नीचे रहने वाली है तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट होने वाला है, और वो प्रॉफिट कितने का होने वाला है, 3,225 का जो है हम लोगों को प्रॉफिट देखने का मिलने वाला है, अगर मार्केट 11,200 से नीचे रहती है तो। ये फर्स्ट सिनेरियो है। अगर मार्केट 11,243 पे 11,243 पे अगर रहती है तो हम लोग जो है ब्रेक इवन पे आ जाने वाले हैं। ये जो है सेकंड सिनेरियो है जो कि आप लोगों को दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर 43 रुपीज़ का जो है हम नेट क्रेडिट पे हैं, तो जब ये माइनस होगा तो ये जो है हमारा ब्रेक इवन होने वाला है। एक पहला पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर ब्रेक इवन देखने को मिलने वाला है, और इस स्ट्रेटजी के अंदर दो जगह पर ब्रेक इवन होता है, एक तो यहाँ पर है और एक अभी हमें ऊपर भी देखने को मिलने वाला है, तो ये दूसरा सिनेरियो हो जाता है। तीसरा सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब मार्केट 11,300 के पास आती है तो हम लोगों को जो है माइनस देखने को मिल रहा है। माइनस कितना देखने को मिल रहा है, 4,275 का जो है माइनस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम माइनस जो कि हमारा चौथा सिनेरियो है, वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है 11,400 पे, जो कि हमारा दूसरा स्ट्राइक प्राइस है, अपर स्ट्राइक प्राइस जो हमारा है। यहाँ पर जो है हम लोगों को मैक्सिमम माइनस देखने को मिल रहा है वाला है, और इसके बाद जो है मार्केट जो है हमारे फेवर में जब जब जाएगी ऊपर की साइड पे, जैसे जैसे जाएगी तो हम लोगों को जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो है पांचवा सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होने वाला है, 11,556 का जो है ये लेवल जो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है नेक्स्ट। इसके बाद छठा सिनेरियो जो है, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलती है तो उसके बाद जो है हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट 11,900 पर पहुँच जाती है तो हम लोगों को 30,000 का प्रॉफिट देखने को मिलने वाला। तो सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा जो है लफड़ा नहीं है, बट इसको हम लोगों को यूज़ कहाँ करना है, जब हमारा व्यू बुलिश हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि मार्केट जो है साइडवेज में चल रही है, तब अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे तो हम लोगों को जो है लॉस हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी जो है हम लोगों को हो सकता है, लेकिन वो भी जो है लिमिटेड है, जो कि हम लोगों को पता है। और यहाँ पर जो है जो हमारा प्रॉफिट है वो जो है हम लोगों को अनलिमिटेड होने वाला है। तो यहाँ पर जो है बुलिश व्यू आपका होना चाहिए, साइडवेज में आपको यूज़ नहीं करना है। अगर हम लोगों को इस मेथड को यूज़ करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हम लोगों को 0 पे 1.5 लाख के करीब जो है मार्जिन लगेगा, और ब्रोकर्स पे थोड़ा सा कम हो सकता है, बट 0 पे जो है इतना ही मार्जिन लगने वाला, और बाकी ब्रोकर्स पे भी जो है इसके अराउंड अराउंड ही रहने वाला। कुछ ब्रोकर जो है 1,20,000 में कर देंगे, कुछ 1,30,000 में, इस तरीके से रहने वाला है। और इस मेथड को लेके अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में आके भी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।